एमपी के 9 जिलों में 394 से ज्यादा गांव में बाढ़ ने मचाई तबाही। सुरक्षित जगहों पर पहुंचाए गए 7,000 से ज्यादा लोग। होशंगाबाद में भारी बारिश के बाद कई इलाके पानी में घिरे। 15 फीट ऊपर तक बह रही है नर्मदा नदी। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे एनडीआरएफ के जवान। होशंगाबाद में कई इलाकों में मकान की पहली मंजिल तक भरा पानी। कई लोग घरों के छतों पर फंसे। लोगों की प्रशासन से मदद की गुहार। उज्जैन में भारी बारिश के चलते उफान पर शिप्रा नदी। रामघाट स्थित कई मंदिर पानी में डूबे। निचले इलाकों में भरा पानी। रायसेन में टापू पर बाढ़ में फंसे 80 लोग। सेना ने 2 हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू कर सभी की बचाई जान। शाजापुर में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। कई इलाके पानी में डूबे। जनजीवन हुआ बेहाल। एमपी के सीहोर में भारी बारिश के बाद मकान धंसा। 3 लोगों को रेस्क्यू कर बचाया गया। 1 बच्ची की मौत। सागर में भारी बारिश के बीच मां ने ऑटो में दिया बच्चे को जन्म। ग्रामीणों ने चारपाई से पार कराया पुल। मां और बच्चा दोनों स्वस्थ। सिवनी में बैनगंगा नदी पर बना नव निर्मित पुल बारिश के चलते बहा। पुल के निर्माण को लेकर उठे सवाल। सैकड़ों लोगों की आवाजाही बाधित हुई। एमपी के कटनी में बारिश के चलते मकान की गिरी दीवार। मलबे में दबकर 4 बच्चों की मौत। सभी बच्चों की उम्र 8 साल से कम। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में भारी बारिश के बाद कई गांव पानी में डूबे। गांव छोड़ने को मजबूर ग्रामीण। कलेक्टर एसपी ने बाढ़ का लिया जायजा। राजस्थान के 13 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। 31 अगस्त और 1 सितंबर को भारी बारिश का येलो अलर्ट। सीकर अजमेर जालौर जैसे जिलों में हो सकती है तेज बारिश। जालौर में मूसलाधार बारिश का दौर जारी। नदी नाले उफान पर पानी में डूबे कई इलाके। जालौर में नदी में बही कार। ग्रामीणों ने कार सवार युवक की बचाई जान। जेसीबी ने बाहर निकाला कार। राजस्थान के झालावाड़ में भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर पानी के तेज बहाव में बहा युवक। अब तक नहीं लगा सुराग। गुजरात के बड़ोदरा में तेज बारिश के बाद कई जगहों पर भराव। सड़कें पानी में डूबी। आवाजाही में परेशानी। गुजरात में भारी बारिश के बाद सरदार सरोवर डैम से छोड़ा जा रहा है पानी। डैम के 23 गेट खोले गए। निचले इलाकों में जारी किया गया अलर्ट। ओडिशा के कटक में हीराकुंज डैम के खोले गए 46 गेट। जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में तेजी से बह रहा है पानी। अलर्ट जारी। ओडिशा में भामणी नदी का जलस्तर बढ़ा। कई गांवों में भरा पानी। सुरक्षित जगहों पर पहुंचाए गए लोग। यूपी के फतेहपुर में तेज बारिश से ढहा कच्चा मकान। मलबे में दबने से 3 मासूम बच्चों की मौत। 6 बच्चों सहित 8 लोग घायल। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।